कभी ना कभी आपके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक तो आया ही रहेगा, मैंने आपके आप आया रहेगा, नहीं तो अभी आया होगा आपके फोन में कॉपीराइट स्ट्राइक। तो चलिए जानते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बनिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है और उसको कैसे हटाया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं ITG नेटवर्क। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा वीडियो को अपने चैनल पर डालते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम करके आता है। तो कॉपीराइट अगर किसी और का वीडियो आप बिना परमिशन का उठाते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। अगर वो खुद आप देखता है जिसका आपने वीडियो उठाया है तो वो देखता है कि आपने उसका वीडियो उठाया है तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर लगाएगा। तो आपको पता चल चुका है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम क्यों लगता है। अब चलते कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों लगता है। कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए लगता है कि जो आपका अगर आप किसी कोई गाने को जैसे कोई ऐसे फोटोज को जो आपने यूट्यूब से लिया है किसी चैनल से तो कॉपीराइट स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम लगा रहता है। जैसे कि यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो आपको तीन अगर आपका यूट्यूब चैनल पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक हो गए तो आपका जो चैनल वो टर्मिनेट हो जाएगा, अन्यथा तो सस्पेंड हो जाएगा यूट्यूब से। तो आप अगर आप थ्री कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगर उल्लंघन होता है तो वो भी आपका जो चैनल है वो बंद कर सकता है। तो इस एक महीने में अगर आपके पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आप जो एक कॉपीराइट स्ट्राइक है वो तीन महीने के अंदर हट जाएगा। वो अगर एक तीन महीने के अंदर आपको तीन कॉपीराइट स्ट्राइक होगा तो आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और कॉपीराइट स्ट्राइक इसीलिए लगता है आपके चैनल पे क्योंकि आपने कहीं से वो उठाया रहता है यूट्यूब से और उसको परचेस नहीं किए रहते हैं तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देगा आपके चैनल पे। तो इसलिए आप कॉपीराइट स्ट्राइक से अब चलिए आपको बताता हूँ कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटा सकते हैं। तो मेरे साथ जैसे कि आ गए हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि आप मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे हूँ और मैं अपना क्रोम ओपन करता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप अब अपना क्रोम ओपन करिए। अब मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन में आपको दिखा देता, आप भी फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो आप चलिए जैसे मैं ओपन कर रहा क्रोम, क्रोम ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे जाने का यूट्यूब स्टूडियो में। जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ, अगर आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाने में पता नहीं कैसे जाया जाता है तो आपको लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे कि मेरे यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो रहा है अभी, आपके चैनल पर बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक आए रहेंगे, मतलब तीन से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आ चुका है मेरे चैनल पे, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ उसको, मैं दूसरा चैनल दिखाता हूँ जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ अकाउंट स्विच पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे कि ये ओपन हो रहा है कॉपीराइट, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। तो आप भी देख सकते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ लाइव प्रूफ, क्योंकि ये बहुत सारे चैनल एडिटिंग करके आपको दिखा दिए गए तो कॉपीराइट आपको मतलब हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दिया गया। मैंने आपको एक 100% प्रूफ के साथ आपको बताया तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉपीराइट क्लेम दिया हुआ है। तो जैसे मैं जिस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम दिया तो उसको उस पर क्लिक करूँगा इधर कॉपीराइट क्लेम पे और उसके बाद सी डिटेल पे क्लिक करूँगा। जैसे सी डिटेल पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा।
देख सकते हैं आप। ट्रेनेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे कि ओपन हो चुका था, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इधर कॉपीराइट समरी एंड स्टेटस दिया हुआ है, तो आप इधर देख सकते हो कि हाँ यह कॉपीराइट स्ट्राइक लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन इफेक्टिव, मतलब कि अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन है आपके चैनल पे तो आपके जो जितने भी मतलब मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा तो आपका जो पैसा अर्निंग है वो नहीं, उसको मतलब नहीं अर्निंग नहीं कर पाएंगे आप। बाकी आपका जो चैनल का स्टेटस है वो उस पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपको कोई इफेक्ट कॉपीराइट नहीं करेगा। चलिए तो आप जानते हैं कि इसको कैसे हटा सकते हैं आप अपने चैनल से। सबसे पहले इधर सेलेक्ट एक्शन पे तो आप उसको चाहे तो म्यूट कर सकते हैं, तो उतना सीन हटा सकते हैं, आने तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर इतना वो सीन हटा देता हूँ, जितना भी कॉपीराइट दिया हुआ है उतना हटा देता हूँ उसमें से। तो आप जैसे देखेंगे कि हाँ ऊपर ऐसा हो रहा है, आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत बार जो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट जो होता है बहुत सारे लोग आप गाना लेते हैं और वीडियो बनाते डाल देते हैं उस कॉपीराइट स्ट्रॉन्ग कॉपी मतलब कि सॉन्ग को जो होता है वो उस सॉन्ग उठाते हैं और डाल देते हैं उसमें। तो यूट्यूब को कैसे पता लगता है, यूट्यूब में हर सेकेंड में लाखों वीडियोज अपलोड होते हैं, तो YouTube जो होता है अपलोडिंग के बाद प्रोसेसिंग कर लिए टाइम देता है, तो प्रोसेसिंग में आपका हर एक सेकेंड जो होता है वो देखते रहता है कि हाँ इस वीडियो में कहीं कॉपी गाना कहीं से लिया हुआ तो नहीं है। तो अगर उसको मिल जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कॉपीराइट क्लेम, अगर आप क्लेम करें तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो ओनर के पास जाता है तो जो गाने का ओनर होता है, जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं गाना गाने के लिए, तो उन लोगों के पास जाता है तो उन लोग कॉपीराइट स्ट्राइक आपके पे भेज देते हैं, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि इस तरीके से आप हटा सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को।